नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी ने भाजपा से नाराजगी की खबरों के बीच बड़ा बयान दे दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री सुंदर निषाद ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनकी पार्टी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को खुले मन से समर्थन करेगी। संजय निषाद ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के साथ एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमें सीट नहीं जीतनी है। दो सीटें मिलने पर संजय निषाद ने कहा कि कभी कभी परिस्थितियां के हिसाब से काम करना पड़ता है। संजय निषाद ने यह भी कहा कि मेरी हमेशा एक विचारधारा रही है कि हमें सीट नहीं जीतनी है, हमें समाज के लिए कुछ काम करना है और उस जीत के सहारे समाज को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। उस जीत की ही देन रही कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा को हटना पड़ा, जो कि एक इतिहास बन चुका है। इसके बाद आपने 2018 में जीत देखी, 2019 फिर 24 में भी ऐतिहासिक जीत आपने मेरी देखी। उपचुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमें इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें लेकर विपक्ष के लोग खिचवीट कर रहे हैं। कभी देश की बड़ी सीटों पर रही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आज वो भी कह रही है कि हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। मैं निषाद राज का वंशज हूँ, हम जीत के लिए आए हैं। मेरी दिल्ली में बैठक हुई, फिर यहाँ बैठक हुई। बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मैंने उन्हें याद दिलाया है कि ऐसे जैसे उच्च वर्ग के वंचित लोगों को 10% आरक्षण दिया है, वैसे ही हम सताए हुए लोगों को पिछली सरकारों द्वारा, अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा पिछली सरकार ने हमें ओबीसी में डालकर अन्याय किया। मैंने कहा कि इनकी भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश में गजट डालकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का जिक्र करते हुए संजय निषाद ने कहा कि योगी जी न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, हम खुले मन से भाजपा का समर्थन करते हैं। निषाद, समाज पूरी तरीके से भाजपा के साथ है, हमारे एक एक कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे, जो केवल कमल नहीं है बल्कि भोजन भरी थाली भी है। ये देखकर हमारे कार्यकर्ता बटन दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम प्रदेश बने, ये हमारा मिशन है। आपने उपचुनाव में दो सीटें मांगी थी, नहीं मिली। और इस सवाल के जवाब में संजय निषाद ने कह दिया कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी हमारी आवाज को समय समय पर दिल्ली पहुंचाते रहे हैं और उनका धन्यवाद देता हूं कि समाज और देश के हित में इतने बड़े कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। इसलिए हमने तय किया है कि सीट नहीं जीतनी चाहिए बल्कि हमारा समाज और हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। इस तरीके से अब संजय निषाद ने जिस तरीके से खुले मन से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, माना यह जा रहा है कि अब अखिलेश यादव के किए कराए पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव इस पर किस तरीके का एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर और संजय निषाद के बयान को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।